यार मोंटो, एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मार्केट में प्रोटीन का इतना बड़ा स्कैम चालू है ना, सर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोटीन ले कौन सा नहीं ले। हाँ सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी मार्केट में एज इट इज़ करके प्रोटीन आया है, उसके बारे में मैंने देखा, सब नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, क्या है क्या इनका, क्या राज क्या है कि ये लोग 2000 रुपये में दो दो किलो प्रोटीन दे रहे। अरे एक जन तो 2000 रुपये में 5 पाउंड का प्रोटीन एक पे एक फ्री बांट रहे हैं, तो इतना स्कैम चल रहा है ना, इतना स्कैम चल रहा है ना अभी लॉकडाउन के समय। लोग सलाह पता नहीं क्या दे रहे हैं, उसमें मिल्क पाउडर डाल के दे रहे हैं, तो सही चीज़ पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कवर करेंगे हमारे इस चैनल पे फिटनेस फाइटर्स में एक बार वापस से। मैं हूँ हरमीत सिंह बमरा, ये है मोंटू मौर्या। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बजट तो सबका हिल गया है लॉकडाउन में, लेकिन मुझे तो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी DM आ रहे हैं, फिटनेस फाइटर्स के कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा हूँ कि एज इट इज़ का कैसा है, एज इट इज़ का कैसा है, एज इट इज़ का कैसा है। तो इस करके हमने एज इट इज़ का मंगाया है, और वो भी सबसे सस्ते वाला। बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो पे आप हम जो है कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, मैं हर एक प्रोटीन्स का नाम बताऊंगा और कौन सा सस्ता है और कौन सा आपको लेना है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताऊं कि अगर प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग नाम लें तो आते हैं आइसोलेट जो सबसे महंगा आता है, कैसीन आता है, हाइड्रोलाइज आता है, ब्लेंड आता है, फिर इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड आता है। कॉन्सेंट्रेटेड में आजकल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम भी डालने लग गए, तो जितना उसके अंदर फ्लेवर्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितना आइसोलेट मतलब जितना उसे रिफाइन किया हुआ है, उतनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो आज के टाइम में कोई भी बंदा इतना महंगा प्रोटीन नहीं लेगा दोस्तों। तो उनको यही है कि मुझे रिकवरी करनी है, मैं घर पे 2 डंबल्स मार रहा हूँ, मुझे सिर्फ रिकवरी करनी है, मुझे मसल गेन नहीं करना है, तो क्या मैं घर का खाना खाऊं? अगर मैं घर का खाना मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मेरे को सिर्फ वेज ही मिल रहा है, तो प्रोटीन के रूप में मैं प्रोटीन कौन सा लूँ जो सस्ता हो, जो मेरे बजट में बैठे, जो 1000-1200 में एटलीस्ट 1 किलो आ जाए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका फेवरेट प्रोटीन के बारे में। मुझे उसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में DMs नहीं आते, एज इट इज़ वे कॉन्सेंट्रेट। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, थोड़ा सा खुलासा करूंगा उसके बारे में। सर तो मेरा सवाल है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता क्या है? तो काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है मोंटू ने। देखिए कॉन्सेंट्रेट ये होता है, कॉमन प्रोटीन होता है जिसमें एमिनो एसिड्स भरपूर रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम रिफाइंड रहता है, और कम रिफाइंड इस करके रहता है ताकि लोगों के बजट में बैठे। बहुत कम लोग हैं जिनको जो है लैक्टोज की प्रॉब्लम रहती है, जिनको दूध पचता नहीं है, तो इसमें लैक्टोज अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बाकी के ऑडियंस को लोग टारगेट कर रहे हैं जिनको जो है लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो आप महंगा वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी का टाइम लोगों के पास ऐसा है कि लोगों की जेब खाली हो चुकी है, लेकिन फिर भी घर पर एक्सेस करें, लेकिन रिकवरी के लिए उनको कोई ना कोई तो प्रोटीन्स चाहिए ही है। तो कॉन्सेंट्रेट का एक और एक फॉर्मेट ये होता है कि इसमें नो प्रिजर्वेटिव्स है, नो फ्लेवर्स है, नो फिलर्स है। तो इसमें ये चीज़ आ गया कि आपको इसमें फ्लेवर्स तो मिलने वाला ही नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डाला हुआ है, लेकिन एमिनो एसिड इसमें पूरा दिया हुआ है। इसकी मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बाकी के जो हाइड्रोलाइज और आइसोलेट जो प्रोटीन है उतना ही ये भी जो है आपको उतना ही प्रोटीन दे रहा है। तो इसका मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें जो पर सर्विंग जो आता है वो 33 ग्राम का सर्विंग्स है, जिसमें 119 कैलोरी है, 24 ग्राम प्रोटीन है, 2.5 ग्राम कार्ब्स है, शुगर जीरो है, डाइट्री फाइबर जीरो है, और टोटल फैट्स है 1.5 ग्राम्स। जो आइसोलेट वगैरह जो आ जाता है उसमें जीरो शुगर आ जाता है, वो डायबिटीज़ वालों के लिए बना, हर एक चीज़ एक स्पेसिफिक किसी के लिए बनी रहती है। तो वैसे ये जो है एज इट इज़ कॉन्सेंट्रेट जो है ये उन लोगों के लिए बना है जिनका जेब थोड़ा सा डीप नहीं है, तो जिनके थोड़े से ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा किधर से अपना खर्चा वर्चा मिल जाए, तो अपन ये प्रोटीन लेके मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सप्लीमेंटेशन जो रहता है वो हमेशा ऐड ऑन रहता है। तो मंटू तुम समझ गए कि कॉन्सेंट्रेट जो है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी में। बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, हर किस्म का एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स का प्रोफाइल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्लीट एमिनो एसिड्स का प्रोफाइल। तो दोस्तों इतने कम दाम में जो है, मैं चीप नहीं बोलूँगा, इतने कम दाम में जो है सही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने इसमें BCAA भी डाला हुआ है, BCAA ब्रांड चेन अमीनो एसिड डिफरेंट अलग से वो भी डाला हुआ है, लोग इसे सेपरेटली लेते हैं, तो अमीनो एसिड्स का तो पूरा इसमें प्रोफाइल आ ही गया है। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो नहीं है,
तो इसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए यहाँ पर बारकोड है, उसको आपको स्कैन करना है और इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको इसमें पता लगेगा। बाकी दोस्तों इसमें हर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये FSSAI से जो है सर्टिफाइड है और ये USA से इम्पोर्टेड है। तो मुझे लगता है कि ग्लैनबिया जो है जो वे प्रोटीन बनाता है वहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किया है वहाँ से, और उसके प्रोडक्ट जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल के इन्होंने यहाँ पर इसे तैयार किया हुआ है, जो ऑलमोस्ट अभी होता ही है, जो इंडिया में जो है ऑलमोस्ट तैयार होता ही है। तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, पहले डुप्लीकेट्स होते थे तो अभी ऑथेंटिसिटी भी इसमें पता लग रही है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ एंड साउंड है मोंटू। और अगर आपको जानना है आपको कैसा कैसा मिलेगा तो आपको मोंटू बताएगा। तो ये आप लोगों को अमेजोन पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और एज इट इज़ का वेबसाइट है आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाकर बाय कर सकते हो। एंड काफ़ी चीप प्राइस में है, तो ये मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रोटीन इतनी सस्ती नहीं मिल जाएगी। और इतना मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एज इट इज़ प्रोटीन ज़रूर लेना। गुड, मतलब ये अच्छा है आपके मसल बिल्डिंग के लिए भी। और ये हाँ, ये कभी लेना है तो हमने बोलना भूल ही गए, ये आपको मोस्टली आपको पोस्ट वर्कआउट लेना है। लेकिन अगर आपको प्रोटीन का इंटेक वैसे कम मिल रहा है तो अगर आप शाम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो सुबह जैसे आप जो है सुबह ले सकते हैं एक बार, और एक एक्सरसाइज पोस्ट वर्कआउट के बाद। अगर आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज जो है पोस्ट वर्कआउट लीजिए और एक शाम में लीजिएगा। तो दो स्कूप आपको लेने हैं तो 48 ग्राम्स आपको प्रोटीन वो मिल जाएंगे और काफ़ी सेफ एंड साउंड है, जो है रजिस्टर्ड बाय फिटनेस फाइटर्स, तो आप इसे बेझिझक ले सकते हैं। और ये लैब्ड और टेस्टेड भी है स्पोर्ट्स के लिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसके बारे में पूरा खुलासा करेंगे, तो सर ने तो इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बता ही दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो असलियत में उतने हैं कि नहीं है, इसका खुलासा करने के लिए मैं लैब रिपोर्ट निकाला इसका। एंड लैब रिपोर्ट निकालने के बाद इसमें थोड़े फ़र्क आए वो आपको पूरा सर बताएंगे। तो दोस्तों पता है क्या था कि हमने जो है इसका लैब रिपोर्ट निकाला, कि ये है कि आप लोगों को गलत माल ना पहुंचे, क्योंकि आज के टाइम में समय इतना ख़राब है कि ऑनलाइन चीज़ें जो है काफ़ी फेक मिल रही है, इवन फोन्स तक फेक मिल रही है, आपसे पैसा लेते हैं और लोग देते नहीं है। तो लैब रिपोर्ट हमने निकाला हुआ है, लैब रिपोर्ट में 100 ग्राम्स प्रोटीन का जो है हमने बताया हुआ, आप चीज़ें स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। 100 ग्राम, जैसे मोंटू ने बताया कि कुछ फ़र्क आया हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने दावा किया कि 100 ग्राम में 80 ग्राम्स प्रोटीन है और हमने जो लैब रिपोर्ट निकाला वो 100 ग्राम में 79.12 है, बट वो मैटर नहीं करता, एक आधा ऊपर नीचे 0.1% का तो ऊपर नीचे फ़र्क रहता है, ये तो उन्होंने राउंड फिगर बताया, तो कोई वरीज नहीं है। तो कंपनी जो बता रही है वो सही बता रही है। तो मोंटू ने पी लिया है तो अभी इसको जो है मैं पी के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, फ्लेवर नहीं है तो आपको जो है पता है कैसा पीना है कि मुझे ये एक क्या बोलते सर, इसमें हल्का सा चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चाहिए तो मतलब टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छी बात। ये डाल देना, ये कटना मत। मोंटू ने सही चीज़ बोली है कि ब्राउन चॉकलेट जो है इसको पीस के इसमें डाल सकते हैं अगर आपको फ्लेवर्स चाहिए तो। चलेगा ब्राउन, नहीं डार्क चॉकलेट, सॉरी डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट वैसे भी अच्छी रहती है। मिक्सिबिलिटी तो मिक्सिबिलिटी भी अच्छी है, मिक्सिबिलिटी भी अच्छी है और इसमें टेस्ट हो तो मालूम है दूध जैसे टेस्ट है, जो लोग बिना शक्कर का जो दूध पीते हैं वही टेस्ट है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कुछ तकलीफ होगी पीने में। दोस्तों ज़्यादा पैसे है तो जाइए आप आइसोलेट लीजिए, ब्लेंड लीजिए, पैसे कम है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप यही लीजिए। आप लोगों ने कहने पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो हम लोग आए थे आज कुछ और वर्कआउट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मोंटू को बोला ले आप, उन वीडियो बना लेते। दोस्तों तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ गया रहेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड काफ़ी लोग कमेंट किए थे, उनका जवाब मिल ही गया रहेगा इस वीडियो में, तो अगर डाउट होगा भी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों तो हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसे जाके इजीली बाय कर सकते हो बेफिक्र, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस लॉकडाउन के टाइम पर आप सेफ रहिए, तब तक के लिए गाइस स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।